पिछवट जब आप लें, किसी से भी लेकर जब शुरू करें, तो वो डिपेंड करेंगी उसकी पावर्स और उसकी एनर्जी से. आप कैसे पावरफुल पर्सन से आप ले रहे हैं, यानी कि किस हीलर से ले रहे हैं, क्या वो उन पर्टिकुलर स्विचवर्ड्स के ऊपर पहले एनर्जीज को मल्टीप्लाई कर चुके हैं. अगर ऐसा है तो वो स्विचवर्ड्स आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होंगे. तो किसी पावरफुल हीलर से ही वो स्विचवर्ड्स लीजिए. जैसे मंत्रा किसी से नामदान की तरह लिया जाता है, इस तरह से आप स्विचवर्ड्स का भी एक रिचुअल फॉलो कर सकते हैं. इस वीडियो में हम जानेंगे क्या टेक्निक्स हैं स्विचवर्ड्स को यूज़ करने की. बहुत सिंपल है. तो सबसे पहले जब भी आप स्विचवर्ड्स यूज़ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्विचवर्ड है टुगेदर, तो टुगेदर को हम 7 times रिपीट करेंगे. लाइक टुगेदर 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 टुगेदर, ये एक सेट हुआ. 1 time में आपको 7 into 4 यानी कि टोटल 28 times आपने उसको रिपीट करना है. अब मैं आपको टोटल 7 के 4 sets एक बार रिपीट करके बता रही हूँ. टुगेदर 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 together 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 together. मैंने 7 times के 4 sets बोले हैं, जिससे मैंने together word को total 28 times बोला है. जब भी आप किसी एक स्विचवर्ड पे काम करना शुरू करेंगे, तो उसे मॉर्निंग में कभी भी जब आप शुरू करें तो एक बार आप 28 times बोल लीजिए. उसके बाद आप इसको मैक्सिमम जितना कर सकते हैं कर लीजिए. ऐसे 28 times के भी सेट्स में आप कर सकते हैं. इसी तरह से चैंट कर सकते हैं जितनी भी नंबर ऑफ टाइम. मिनिमम 28 है, उसके बाद आप मैक्सिमम कितना भी कीजिए. किसी पेपर पे इसको कंटिन्यूसली इस तरह से 7 into 4 sets में लिख सकते हैं. नेक्स्ट पेज पे दोबारा लिख सकते हैं. 100 times भी पूरे दिन में आप लिख सकते हैं. अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे ब्लू कलर के पेन से आप अपनी आर्म्स पे, शोल्डर्स पे, थाइस पे, कहीं भी जहाँ इजी हो वहाँ लिख सकते हैं. लेफ्ट साइड पे ही क्यों लिखना है, क्योंकि लेफ्ट इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी इज द रिसीविंग पार्ट. जब हम रेकी करते हैं तो रेकी की प्रेयर में हम लेफ्ट नीचे रखते हैं और राइट हैंड ऊपर, बिकॉज लेफ्ट इज द रिसीविंग हैंड एंड राइट इज द गिविंग हैंड. तो हम जब भी स्विचवर्ड्स यूज कर रहे हैं तो यानी कि वो चीज हमारे पास नहीं है और हम रिसीविंग पोजिशन में, हम चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ में आए, इसीलिए हम बॉडी के लेफ्ट साइड पे कहीं पे भी लिख सकते हैं. इसके साथ साथ एक पेपर पे लिखकर उसके ऊपर आप ग्लास रख सकते हैं ताकि वो उससे चार्ज हो जाए. जितने भी रेकी चैनल्स हैं जिन्होंने लेवल 2 तक प्रैक्टिस रेकी सीखा है, वो वाटर चार्जिंग के दौरान स्विचवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं. अफर्मेशंस जो है वो कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं, बट स्विचवर्ड्स सिंगल वर्ड या 3 से 4-5 words का एक सेट होता है, उन्हें यूज़ करना ईजी हो सकता है. वाटर चार्जिंग के लिए आप स्विचवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. और जितने भी हीलर्स हैं, अगर आपके पास कोई हीलिंग के लिए आया है तो हीलिंग की प्रॉब्लम से रिलेटेड, पर्टिकुलर किसी को हर्निया का प्रॉब्लम है तो उसके स्टमक पे आपको क्या स्विचवर्ड्स यूज करने हैं, उनके बॉडी पे आप लिख सकते हैं ब्लू पेन से. और वो स्विचवर्ड्स, उन्हें रेकी तो नहीं आती है, आपने उनकी हीलिंग शुरू करी, आप उनको हीलिंग सिखा के तो नहीं भेज सकते एक ही सेशन में. बट अगर आप रेगुलर उनके सेशंस ले रहे हैं तो आप उनको स्विचवर्ड्स दे सकते हैं जो उनके लिए भी थोड़े से इफेक्टिव हो सकते हैं. उनका भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन हीलिंग के प्रोसेस में बढ़ सकता है, उनकी रिसेप्टिविटी बढ़ सकती है. एक और चीज़ है, कोई भी क्रिस्टल पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं. मैंने वाइट कॉर्ड्स लिया है जिसमें मैं टुगेदर को इस तरह से सेट्स में अपने यहाँ पर सेंटर ऑफ अपने आईब्रोज में टच करूँगी और इस तरह से हम स्विचवर्ड्स यूज़ करेंगे. पहले मैंने आपको सिर्फ चैंट करके बताया था, अब यहाँ पर मुझे मेंटली चैंट करना है और 7 times के सेट में मैं इसे टच करूँगी. मैं इसको बोल के चैंट नहीं कर रही हूँ, मेंटली अपने मन में इसे दोहरा रही हूँ. तो स्विचवर्ड क्या है जो मैं मन में दोहरा रही हूँ, सेम टुगेदर. ये हुआ 7 times का एक सेट.
सेकेंड सेट। थर्ड सेट। ये हुआ फोर्थ सेट, यानी कि टोटल हुआ 28 टाइम्स। इसी तरह से आप 28 टाइम्स के सेट्स बनाते बनाते आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कंटिन्यूसली आप इसको करते। ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत जल्दी प्रोग्रामिंग देके जाएगा। ये टेक्निक स्विचवर्ड के साथ जब आप कंबाइन करेंगे तो आपके रिजल्ट्स, आपकी पॉजिटिव आउटपुट मोर देन 50% बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ आप 15 से 20 मिनट आप बैठे, आपने इसको प्रोग्राम करा। अब अगर आप घर में हैं तो अपने किचन में, फ्रिज के ऊपर या कहीं किसी पिन बोर्ड पे, जहां आपका बार बार आप जहां से गुजरती हैं, वहां पर इस 7 स्विच वर्ड्स का सेट टुगेदर 7 टाइम्स लिखकर एक बड़े से शीट के ऊपर डेकोरेटिव बनाकर भी आप उसे लिख सकती हैं। और जहां पर आपकी बार बार नजर पड़ेगी तो आपके माइंड की एंकरिंग रहेगी। किसी भी तरह से आप उसकी एनर्जीज को मल्टीपल लेवल पे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। आपने चैंट भी किया, आपने मेंटली भी किया, आपने वाटर चार्ज करके भी पिया, आपने अपने किचन में भी कहीं पर आपने उसको पेस्ट किया और आप बार बार उसे चैंट कर रहे हैं। इस तरह से आपकी बहुत सारी एनर्जीज इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अभी तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया सिर्फ टुगेदर वर्ड का। टुगेदर वो वर्ड है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि टुगेदर का मतलब है जितने भी रिसोर्सेज मेरी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के रिक्वायर्ड हैं दे ऑल कम टुगेदर। अगर हम इसमें डिवाइन ऐड करते हैं तो विद डिवाइन पावर, तो उस सुप्रीम पावर की ब्लेसिंग्स के साथ सारे रिसोर्सेज टुगेदर होकर वो मेरे पास आ जाएंगे। सो आपने जहाँ पर भी वो स्विच वर्ड्स को आपने उसके पेपर को पेस्ट किया है, चाहे आपने लिविंग रूम में या किचन में, जब आप बार बार उसे देखेंगे तो आपके माइंड की एंकरिंग रहेगी, और वो एंकरिंग रहेगी तो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बढ़ती रहेगी। इस तरह से स्विच वर्ड्स को आप रिपीटेडली पूरे दिन यूज कर सकते हैं। 1 वीक के लिए आपने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपने स्विच वर्ड्स यूज किए, नेक्स्ट वीक के लिए किसी और चीज़ के लिए, और उसके बाद इस तरह से जैसी जैसी प्रॉब्लम्स उसके उस तरह से स्विच वर्ड्स आप यूज करते चले जाएंगे। मेरी आने वाली वीडियोस में आप जानेंगे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स के लिए कैसे सेट ऑफ स्विच वर्ड्स हैं, कब कैसे यूज, कौन सी प्रॉब्लम के क्या स्विच वर्ड्स हैं, उन पर कुछ वीडियोस आप देखेंगे। और अगर आपकी भी कोई ऐसी समस्याएं हैं जिसके लिए सॉल्यूशन के लिए आप स्विच वर्ड्स जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियोज़ बनाऊँगी। सो आज आपने जाना स्विच वर्ड्स को कैसे यूज़ करना है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।